आयो दसरा वो त्योहार घर आजा रसिया, बताओ दसरा वो त्योहार घर आजा रसिया, आजा रसिया कपापड़ खा जा रसिया, आयो दसरा वो त्योहार घर आजा रसिया, और गया दिसावर बरस हो लिया पांच आपने राजा, अरे पांच साल हो गया, गया दिसावर बरस हो लिया पांच आपने राजा, और बीजेपी को राज बदल गयो जुल्मी अब तो आजा, आगे कांग्रेस सरकार घर आजा रशिया। सब बजाओ ताली, मैं कवि हूँ फिर मैं थाने कुछ कह दूंगा नाराज होगा, बजाओ ताली, आयो दसरा वो त्योहार घर आजा रशिया, मेरी ई कविता पर जो कोई ताली नहीं बजाए, बजाओ मेरी ई कविता पर, सब जाओ मेरी ई कविता पर जो कोई ताली नहीं बजारो, मेरी ई कविता पर जो कोई ताली नहीं बजावे, और राम करे बी की बीबी ने रावण हर ले जावे, लुटिया डूबे बीच बाजार घर आजा रशिया, आयो दसरा वो त्योहार घर आजा रसिया, आजा रसिया पापड़ खा जा रसिया, आयो अंतिम अल्टीमेटम दे रही है कि देख या तो आजा अनिया उसके, कि तेरी याद में सुन मेरा बालम एक दिन मैं मर लूंगी, तेरी याद में सुन मेरा बालम एक दिन मैं मर लूंगी, और आनो है तो आजा नहीं मैं दल बदली कर लूंगी। अच्छी बात, अच्छी बात बाबा, यही होता है, और तेरी याद में सुन मेरा बालम एक दिन मैं मर लूंगी, और आनो है तो आजा नहीं मैं दल बदली कर लूंगी, छेला घना खड़ा है त्यार घर आजा रसिया, आयो दसरा वो तुम्हार घर आजा रसिया। वाह 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 वाह, अपने पास टीम बहुत छोटी छे, हाल और भी कवि छे, ताऊ जी एक छोटी सी रचना और, महापौर जी का चुनाव हो रहा, महापौर जी बैठे है के हमारे, महापौर जी पूरी रात बैठते हैं, तो मैं जयपुर वाले की बात कर रहा हूँ, पेमेंट लेना है मेरे को अभी। हमारे महापौर का चुनाव था जयपुर में, पेमेंट तो उनके पोते की तबीयत ठीक होनी, आजकल टाइम नहीं है कोई ने, कोई ने टाइम नहीं है, तो बाब बाकी बीवी बोली जी पोते की तबीयत ठीक होनी, इन्हें डॉक्टर के दिखा के लाओ, वो तेरे पोते की लाग रही है, मेरा चुनाव चल रहा है, मैंने मरने को टाइम नहीं है, जब कदम बाबी आदरणीय मूड में ही बोले शाणा मर मच जाई मैंने भी रोने को टाइम। हमारे यहाँ के जो महापौर हैं वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, वैसे ईमानदार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बीमारी है ईमानदारी, 125 अरब का देश का मायने अगर कोई 5-4 हज़ार आदमी ईमानदार हो भी जैसी तो के तारा तोड़ लेसी, ये वास्ते मैं बने बने कहो उरे को कोई जिक्र को नहीं है, कह चाट रया सब चासनी घोटाणारी घाट, आहा आहा करियो। कचाट रया सब चासनी घोटाणारी घाट, और तू क्यों चुक बावड़ा चाट सके तो चाट, बह रही गंगा मैया लगा ले डुबकी भैया, भरे हैं ताल तलैया गा रही सोन चिरैया, लल्ला मोदी जी ने सारे ही काम अच्छे किए, लेकिन यार प्याज तो 100 रुपया किलो हो गया, ये तो मानना पड़ेगा, ये भी तरक्की है मोदी, ये तो मुमकिन है, क्या दिक्कत है। हाँ ये बात, जय 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 हो आपकी हे मोदी सरकार, जय 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 हो आपकी
हे मोदी सरकार, और जनता पर ऐसी पड़ी महंगाई की मार, हो गयो आटो गिल्लो, प्याज 100 रुपया किलो, केक रे पुन्नम ढिल्लो, लल्ला लल। अब बोलो के सुनो गाते हाँ। अच्छा एक एक हेली सुन लो। हेली क्या होती है? हेली आत्मा को कहते हैं। मतलब थे वो ध्यान रखो, हेली आत्मा ने कहे है, और जो जवान छोरा है ना बे मन में यहाँ रखो, हेली सहेली ने कहे, यानी कि छोरी की भाईली ने कहे, तो दोनों का काम पड़ जाए। ये संसार क्यों चल रहा है मुखर्जी, इसको कौन चला रहा है? न तो अपना बड़का जान सका, न आपा जान सका। तो हे हेली, ये आजकल भजनों में गाई जाती है, तेरा रिकॉर्डिंग और तो कर लेना भैया। तो हे हेली, जिस बात को कोई नहीं जान सका उसके लिए तू क्यों परेशान हो रही है? बस इतना सा भाव है। अच्छा गीत है। हेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे, हेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे, दुनिया तो मेलो है ही मैं एक आवे एक जावे, जावे रहेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे, कौन जान है ई मेले में ए लोग कठे स्यू आवे, हेली कौन जान है ई मेले में ए लोग, मेलो तो है, लोग कठे स्यू आवे, आवे जी को कठे जा, अर क्यों मुड़ो तो नहीं आवे रहेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे, हेली बावली ये तू क्यों झूठ। देखो कोड़ी कोड़ी माया जोड़े ऊंचा महल बनावे, हेली कोड़ी कोड़ी माया जोड़े ऊंचा महल बनावे, पण क्यों अंत समय में सब कुछ धरो अठे रह जावे रहेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे। ये बातें मैंने इसलिए लिखी थी, ताई मर गई थी, मैं उसने हाथ की रोटी खा के जयपुर प्रोग्राम देने गया था शाम को, मैं 5:30 बजे मैंने बात करी थी मुखर्जी, 6:30 बजे 7 बजे 2 घंटे का रास्ता है सवाई माधोपुर का, मैं सवाई माधोपुर रहता हूँ, तो मैं उससे बात करके चला। मैंने कहा यहाँ चाय तो बहुत मिल गई है, रोटी नहीं मिली है, तूने जो सुबह पूड़ियाँ खिलाई थी 3 क्विंट की, तो रोटियों के लिए क्या फोन कर रहे हो भाई? मैं 7:30 बजे घर पहुंच जाता, और निवाई जब आई 6:30 बजे समाचार आ गया कि ताई गई, बैठी बैठी चली गई। तो मेरा मतलब ये है कि मैं जब वो मरी तो मैंने लड़के से कहा कि इसकी आलमारी में जो कुछ भी है वो तेरा, मैंने मैं देखी भाई 20-25 बरी सोने तू ले जा, बोले 100 रुपये बड़े हैं। देखिए बाहर आपने राजस्थान की लुगाया को मिजाज देखो यार, क्यों कोई मुकाबलो कर ले वो? मैंने कहा पैसा मैंने कभी दिया ही नहीं, 1 लाख रुपया लाउन में, 50,000 रुपया नाड़ के मायने, यूं करके 7 लाख रुपया मेरे से छुपा करके उस औरत ने घर खर्चे में से बजा लिया, बुलाओ उसके लिए ताली। तब कह रहा हूं महापौर साहब कुछ ज्यादा दाम हो तो आवार ही दे दो, क्यों काम को नहीं होगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़े ऊंचा महल बनावे, पण क्यों अंत समय में सब कुछ धरो अठहर जावे रहेली बावली ये तू क्यों झूठो मग। अभी आपके यहाँ के वो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ना, जो अपने कवि सुन करवाया करते थे कभी, क्या नाम है वो? ओम जी बिरला। हाँ बिरला, बिरला जी हमारे सामने आज के 25-30 साल पहले अपने गांव में कवि सुन करवाते थे, तो हमारे यहाँ चर्चा लगी यार ये बिरला जी क्यों बने। मैंने कहा ये भी कोई बात है, ई मेले में अपनी अपनी सभी दुकान लगावे,
हेली मेले में अपनी अपनी सभी दुकान लगावे, कुछ को माल बिके कुछ बैठा माखी नीत उड़ावे। रहेली बावली है तू क्यों झूठो पावे, दुनिया तो मेलो है ही मैं एक आवे एक जावे। रहे 137 हेली है, कितनी सुनोगा जयराम जी की। वाह वाह वाह, हेली की पूरी पुस्तक है ताऊ जी की, जो बहुत प्रसिद्ध है और लोग बाग घना मंदिरा में और भजन गायक जो चाहिए कि हेलें गा रहे थे बाकायदा। यहाँ गोविंद देव जी जयपुर को 40 लिखे थे, यहाँ त्रिनेत्र गणेश सवाई माधोपुर को 40 लिखे थे और बहुत सारा धार्मिक ग्रंथ भी यहाँ लिखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी के लिए, एक बार जोरदार ताली बजा दे, आपको बहुत आनंदित करे माना।